देवी देवताओं के, सब देवताओं के चार हाथ, दुर्गा माता के आठ, और सब में हथियार। क्यों? कि लक्ष्मी अगर वरदान देगी तो लक्ष्मी ही तो श्री भी है। और ये ध्यान रख लेना, कहने के लिए हम कहें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लेकिन शक्ति तो एक ही है, एक ही जगदम्बा माँ है, उसी के ये नौ रूप हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, अनेक रूप हैं उसके। लेकिन ये याद रख लीजिए कि अपने बचाव के लिए आपको थोड़ा सा तो तैयार होना पड़ेगा ना। अगर बचाव नहीं करोगे तो लोग जो है, किसी को छेड़ना नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं, तालियां भी बजाना लेकिन ताल ठोकना भी सीखना, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ताली बजाना आता है तो ताल ठोकना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको अन्याय का सामना करना भी आना चाहिए, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महान पुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे अवतारों ने, हमारे तीर्थंकरों ने सब कुछ पाया, लेकिन करुणा में रह गए। करुणा में रह गए तो उनका इलाज नहीं किया। 1000 साल तक हम लोगों ने गुलामी सही, बाहर के लोग आए, हमला किया, उन्होंने हथियारों को बनाने में दिमाग लगाया, बढ़िया बढ़िया हथियार, और बढ़िया हथियार का मतलब धोखा देने वाले हथियार, छिपके मारने वाले हथियार, वो बनाए उन लोगों ने। हिंदुस्तान गुलाम भी हुआ आपसी फूट के कारण, हिंदुस्तान गुलाम हुआ हथियार उनके खतरनाक जिन्होंने छिपके वार किया। अपने यहां तो तीर भी खाना तो छाती पर, पीठ पे नहीं, नियम थे युद्ध के, उनके पास कोई नियम ही नहीं थे। जो बाहर से लोग आए यहाँ हमला करने के लिए, उन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। हमारे यहाँ कहा जाता था सूरज छिप गया तो उसके बाद लड़ाई नहीं लड़नी, तो राक्षस लोगों ने कहा हमें तो मजा ही रात को आता लड़ने में। लड़े, छीना झपटी की, यहाँ का सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, और हम लोगों की किताबें तक जला दी गई, हमारी विद्याएं जला दी गई। हम लोग इतनी विद्या वाले लोग थे, जो मांगते थे वो सब कुछ पा लेते थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं दुनिया के दूसरे लोग सबसे आगे पहुंच रहे हैं। और दुखद बात ये हो गई कि हम लोगों को ऐसा मशीनी इंसान बना दिया गया, सुबह से लेकर शाम तक हम दौड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस समय दुनिया के जितने देश हैं उनका सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये माना गया कि खुशहाल देश कितने हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल और ठीक देश कौन से हैं। आपको दुख लगेगा सुनकर, हमारा पड़ोसी देश जो हमारे देश को परेशान करने में लगा हुआ पाकिस्तान, जो यूएनओ के की रिपोर्ट आई है खुशहाली के, जो उन्होंने मापदंड रखे हैं उनमें वो हमसे आगे हम पीछे हैं। मतलब ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी, ज़्यादा चिंता करने वाले लोगों में भारत का भी नाम है, मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। 5 देश ऐसे हैं जिनको माना गया कि जो खुशहाली में सबसे आगे हैं। बहुत पहले मैंने एक प्रवचन दिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत के लोग 50 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग ज़्यादा अशांत और दुखी हैं। अगर वो कारण हम ठीक कर लें तो सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग हम ही कहलाएंगे। यहाँ कभी, वैसे तो आप लोग नियम बना लीजिए, सुबह जो हम लोग 2 चैनल पे तो आते ही हैं, ऐसा नियम बना लो कि रोज सुनना है और डायरी में नोट करना है। आपको बहुत सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं केवल यही नहीं करता कि प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को ही आपको बताता हूँ, उस ज्ञान को बताने के साथ साथ में दुनिया में जो खोजें हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसका भी तालमेल मिला करके और इतिहास को भी साथ में जोड़ करके फिर आपके सामने बहुत सारे बिंदु रखता हूँ, जिससे आज के युग में इंसान को जीवन जीने में कैसे आसानी हो सकती है, इसके लिए अच्छे सूत्र मिल सकें, अच्छे पॉइंट्स मिल सकें। इसलिए उसे बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए अपने पास। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे पास में था,
सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हम लोग थे। 400 साल पुराना इतिहास अमेरिका का बहुत अच्छा इतिहास नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे वे लोग। रेड इंडियन लोग जैसे वहां रहते थे वो चीज इस समय सुनाना ठीक नहीं। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपका तो हजारों साल पुराना इतिहास भी समृद्धि का इतिहास है, खुशहाली का इतिहास है, फिर हम क्यों पीछे चले गए? कुछ तो बात है। फिर से विवेचन करने की जरूरत है कि क्या करें जिंदगी में सच्ची खुशहाली आए, क्योंकि आदमी सच्चा आनंद पाना चाहता है, सच्ची खुशी पाना चाहता है, सच्चा प्रेम पाना चाहता है, सच्ची समृद्धि पाना चाहता है, सच्ची शक्ति पाना चाहता है। उसका रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता बताऊंगा आपको। अभी कुछ बातों पर आप और ध्यान देंगे। एक और बात जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य का उद्देश्य विकसित होना, विकसित होते होते विकास के चरम सीमा पर पहुंचना। विकास के चरम सीमा आनंद है। बात को ध्यान से समझना। विकसित होना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो या तो विकास होगा या विनाश होगा। या तो आप तरक्की कर रहे होंगे या नीचे जा रहे होंगे, या तो आगे बढ़ रहे होंगे या फिर पीछे जा रहे होंगे। तो उन्नति की गेंद या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी। आप अपने मन में यह सोच के चलिए, हर दिन मैंने तरक्की करनी है। उसमें किंतु परंतु मत लगाना। अपने आप को तरोताजा बनाइए, आदत बनाओ, मुस्कुराते रहने की आदत। अगर मुस्कुराते रहोगे विकास शुरू। बच्चा मुस्कुराता ही रहता है, रोना उसकी जिंदगी में बहुत छोटी चीज है, जल्दी रो पड़ता है पर जल्दी उसे भुला भी देता है। लेकिन मुस्कुराना उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए बच्चा हंसता मुस्कुराता नजर आता है। आपको भी बस यही ध्यान रखना है, अपने रोने को भूल जाइए, अपनी मुस्कुराहट को याद रखिए। परमात्मा ने जो भी अच्छा दे रखा है उसे ध्यान करके मुस्कुराना शुरू करो। तो एक बड़ा आनंद की बात देखोगे आप, जब आप बहुत जोर जोर से हंसना नहीं अट्ठास करना, बहुत जोर जोर से खुल के आप हंसते हैं, आपको यह हैरानी लगेगी, इतना बढ़िया प्राणायाम दुनिया में कोई होता ही नहीं है। इतनी शांति लगेगी, 4-5 बार भी आप खुल के ऐसे हंस के देखोगे, दोनों हाथ ऐसे करके जोर से करके देखोगे, ऐसा मन करेगा कि ये मैंने कौन सी जादू वाली चीज कर दी। एक तो ये, दूसरा थोड़ा थोड़ा खुद ही चेक कर लिया करो, मुस्कुराहट है या नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं कि जा रहे होते हैं तो रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, तो बराबर में कोई गाड़ी रुकती है जाके, तो उसमें मैं देखता हूँ महिला बैठी हुई अपने पति के साथ में, तो रुकते ही बस वो एकदम अपना पर्स निकालती है, और या तो उनका कार का ही शीशा ठीक करती है, नहीं तो छोटा सा उसके पास में पर्स में शीशा होता है, उसको देख के जो है ना फिर वो अपना मेकअप वेकअप कर रही होती है। तो उस समय ये समझ में आता है कि ये जो मेकअप कर रही है, अपने को अच्छा दिखाया जा सके, प्रभावशाली बनाया जा सके, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुस्कुराहट वाला मेकअप कर ले कोई भी आदमी, तो उससे बढ़िया सुंदरता लाने वाली चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए फोटोग्राफर को बेचारे को जब अपना जॉब करना होता है, तो उसको ये पता है कि अच्छा फोटो दूंगा तो पैसे ठीक मिल जाएंगे। वो बार बार कह रहा होता है मुस्कुराइए, जब देखता है इसको मुस्कुराना आता ही नहीं, वो कहता है भाई साहब रुको एक मिनट, आंखें बंद करो, लंबा गहरा सांस लो, थोड़ा शांत हो जाओ, अब मुस्कुराओ। जैसे वो फिर मुस्कुराता है, फिर वो फोटो लेता है, उसको पता लगता है कि अब इसको थोड़ी सी शांति आई है, ठीक से मुस्कुराहट आई है। और जब ये फोटो देखेगा तो उसको खुद लगेगा, अच्छा मैं ऐसा भी दिखाई देता हूँ। आप समझ गए, थोड़ी सी भी शांति अंदर लाओगे, थोड़ी मुस्कुराहट लाओगे, आप सच में सुंदर दिखाई दोगे, और हर दिन और ताजा बनना, और नया बनना, क्योंकि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है, और उस विकसित होने के लिए मुस्कुराहट जरूरी है। तो तैयार है ना सभी? एक बार जोर से हाथ खड़ा करिए और तैयारी करिए कि आज के साथ ही
मुस्कुराहट लेकर घर जाएंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, सब्जी वाला अपनी सब्जी को ताजी दिखाने के लिए बीच बीच में पानी के छींटे मारता रहता है, उससे उसकी सब्जी ताजी रहती है। आप भी पानी वानी ज़्यादा पीते रहना, उससे सब्जी ताजी दिखाई देगी। क्योंकि सब्जी वाले से किसी ने सब्जी खरीदनी थी, तो जैसे उसने सब्जी के लिए कहा 1 किलो सब्जी दे दीजिए, तो उसने फटाफट पानी उठाया, छींटे मारने शुरू कर दिए। 5 मिनट तक छींटे ही मारता रहा, तो खरीदने वाले ने कहा भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 1 किलो दे दीजिए। अब वो आ गया गुस्से में, गुस्से में आके कहता सब्जी कोई होश में नहीं आती, लेकिन पानी वानी डालने से जो है ना ताजी रहती है। तो बिल्कुल वही ध्यान आपने करना है, पानी पीना भी है और बीच बीच में ऑफिस से उठ करके बाथरूम में जाओ, आंखों में छींटे लगाओ और उसके बाद में शीशे के सामने खड़े होकर के एक बार खुद से कहो कैसा लग रहा हूँ बताना। और जब आपको लगे कि अच्छा लग रहा हो तो उसके बाद में फिर जैसे कोई वो होते हैं ना वीर योद्धा, मुझे बताओ देते बाहर आते हैं। एक आदमी को मैं देखता था, उसको अगर कोई ये कहता था आज ठीक नहीं लग रहे, कुछ कमजोर लग रहे हो, कुछ दुबले लग रहे हो, ठीक ठाक नहीं लग रहे हो, कुछ समस्या है क्या, वो कहता था रुको यहीं बैठे रहना। वो भागता हुआ जाता था और उसके बाद आता था वो, फिर पूछता था आप बताओ कैसा लग रहा हूँ। तो उससे पूछते थे क्या हुआ, बोले 1 किलो दूध पी के आया, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ। क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि किसी ने भी जहर का इंजेक्शन दे दिया कि ठीक नहीं लग रहे, ठीक नहीं लग रहे। अपने मन को समझाने के लिए अंदर ये जरूर कुछ कर देना है कि पानी पी लिया या दूध पी लिया या कुछ खा लिया, पहले से ज्यादा तरोताजा और बहुत बेहतर लग रहा हूं। अपने आप को विश्वास दिलाना है, ताजा बने रहना है, शक्ति भरे रखना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चेक करेंगे अपने आप को, विकसित होना जीवन का उद्देश्य है, विकसित होने की पहली परंपरा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आपको तरोताजा रहना चाहिए और वाणी को संगीतमय बनाओ, गुनगुनाते हुए काम करिए और बात करें तो काट खाने को दौड़े ना कैसे, जैसे कोई आदमी, ऐसे मत बोलो, बोलो तो ऐसे आदमी की इच्छा हो कि इससे और बात करें तो कितना अच्छा लगे, तो इसका भी अभ्यास करना है। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है और इस पर आप लोग काम करेंगे। आखिरी दिन मैं पूछूंगा कितना अंतर आया है, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे अनाउंसर थे, काफ़ी भारी थे, तो वो एक दिन अनाउंसमेंट करते करते बोले कि भाइयों सत्संग में जरूर आया करो, क्योंकि और सत्संग क्या है कैसे है मैं नहीं कहता, लेकिन ये सत्संग ऐसा जरूर है, इस सत्संग का रंग जीवन में लगता जरूर है, असर आता है और कमाल जरूर होता है। बोले बहुत अंतर आता है। वो बताते थे कि मेरे अंदर अंतर आ गया, मेरे अंदर परिवर्तन आ गया और मुझे पता भी नहीं लगा। बोले जब मैं अपने घर में गया तो मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू आपस में बात कर रही थी, ऊपर से उतरती हुई बड़ी बहू पूछ रही थी कि पिताजी कहाँ गए, वहीं वहीं सत्संग 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 में गए हैं। तो कहती है बड़ी वाली भेज दिया करो, बुढ़ा पहले से काफी सुधर गया है। तो वो बोले ये सर्टिफिकेट मैंने जैसे सुना तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरी बहुएं भी मेरे पीठ पीछे, भले ही बुढ़ा बोल दिया हो, अगर ये कहती हैं कि सुधर गया मतलब इसके अंदर चेंज आई है, तो इसका मतलब है कि मेरे गुरु का सत्संग अंदर प्रवेश कर गया है। बात तो बनी है ना, चेंज आना चाहिए, रिमार्क कोई भी अच्छा मिलना चाहिए, और वो भी इस तरह का कि कोई भी ये कह सके कि आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। विकसित होना जीवन का उद्देश्य है और विकसित होते होते आनंद की तरफ पहुंचना जीवन का उद्देश्य है। हम इस दिशा में बढ़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए।
ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं, हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग ले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है